नाउ इन दिस सेक्शन हम लोग आइज करेंगे. सबसे पहले हम लोग ब्राउज को थोड़ा सेट कर देंगे एडिटोरियल लुक के लिए. अगर वो ब्राउ सेंट्रिक नहीं है तो बहुत ज़्यादा ब्राउज नहीं करने हैं. मोर ओवर आर मॉडल हैज़ ब्यूटिफुल ब्राउज. नाउ मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ सिर्फ गैप्स फिल करने के लिए, वो भी सिर्फ पीक एरिया पे. विल नॉट यूज़ टू मच ऑन दिस ब्राउ बिकॉज इट्स अ परफेक्ट ब्राउ फॉर एन एडिटोरियल लुक. वी जस्ट नीड टू फिल द गैप्स. प्लीज़ डोंट फिल एनीथिंग इन द इनर कॉर्नर एंड टू मच इन द आउटर कॉर्नर ऑल्सो. जस्ट डिफाइनिंग द शेप. अगर बहुत ज़्यादा गैप्स हो तो यू कैन इवन कोम्ब इट बैकवर्ड्स. बैकवर्ड्स कोम करके फिर आप चेक कर सकते हैं. आई थिंक हर ब्राउज आर ऑलरेडी परफेक्ट. आई एम जस्ट एडिंग वेर एवर आई नीड टू शेप इट अप और सपोर्ट द शेप. सही बोलने के लिए इज जस्ट सपोर्टिंग द ओरिजिनल शेप. दैट इज इनफ. अब थोड़ा सा और डार्क कलर देने के लिए आई एम यूजिंग दिस ग्रे आईब्रो पेंसिल फ्रॉम द किट. इट्स अ डार्क ग्रे एंड ये थोड़ा सा और डायमेंशन देता है ब्राउ को. लवली. ब्यूटिफुल प्रोडक्ट एंड वेल डन. लवली. सो यू कैन सी दैट ऑलरेडी. सो अब आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए आई विल यूज अ आई प्राइमर. जस्ट कीप योर आईज क्लोज्ड. मैं यहाँ पे थोड़ा सा शाइनी आई प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. यू कैन आप कोई भी आई प्राइमर यूज़ कर सकते हैं. वेट एंड वाइल्ड का यूज़ कर सकते हैं आप. एल ए गर्ल का यूज़ कर सकते हैं. उसमें भी कलर्स आते हैं आई प्राइमर में. यू कैन चूज समथिंग. मैं यहाँ पे मैक का ट्यूब पेंट यूज़ कर रही हूँ. सो पेंटरली आई प्राइमर थोड़ा सा शाइनी है बिकॉज दिस विल एड टू आवर लुक. हम लोग जिस तरीके से लुक को क्रिएट करेंगे हमको वो लुक मिलेगा इसमें. मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर में ज़्यादा ले रही हूँ बिकॉज दैट इज़ द आइडिया एंड यू विल सी हाउ इट विल सपोर्ट अस एज वी पुट प्रोडक्ट्स. आई प्राइमर हमेशा बहुत थिन लेयर में लगाएंगे. प्लीज़ डोंट पुट टू मच. इट विल स्पॉयल द टेक्स्चर ऑफ द आईलिड बिकॉज इट्स वेरी थिन. द स्किन इज़ वेरी थिन एंड आई प्राइमर्स आर वाटर प्रूफ एंड क्रीज प्रूफ. सो यू डोंट वॉन्ट टू मेक इट टू हार्श फॉर द स्किन ऑल्सो. सो नाउ वील स्टार्ट द आई मेकअप एंड हियर यू कैन गो वाइल्ड. इट इज़ अबाउट क्रिएटिविटी. इट इज़ अबाउट समथिंग टू डू विद द कैरेक्टर दैट यू आर थिंकिंग ऑफ एंड फॉर अ गॉडेस डेफिनेटली आई कैन डू अ लॉट मोर एंड अ लॉट मोर शाइन. सो वी आर डेफिनेटली नॉट स्टिकिंग टू द ब्यूटी रूल्स हियर. सो आई एम गोइंग टू यूज़ अ लॉट ऑफ कलर्स एंड आई विल स्लोली इंक्रीज देम. सो वील सी. सो फर्स्ट थिंग आई स्टार्ट विद और मैं बहुत छोटा ब्रश यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ. आई एम यूजिंग अ पेंसिल ब्रश बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ठीक से पुट ना हो और फैल जाए. जब मुझे फ्लश आउट करना होगा देन आई विल यूज़ अ बिगर ब्रश. सो आई एम स्टार्टिंग विद अ डार्क कलर. इट इज़ ऑलमोस्ट अ ब्लैक कलर टू स्टार्ट विद. बिकॉज आई नीड अ स्टार्क लाइन I will use a small brush and this is going to be very very stark and very sketched. So हाथ को थोड़ा हल्के चलाएंगे आप और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ब्रश में थोड़ा होल्ड हो. मतलब आप ये ले सकें कि कलर जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है. आपका अगर आप बहुत बड़ा ब्रश ले लेंगे सो इट विल नॉट गिव यू द फील एंड इट विल नॉट गिव यू द ड्रामा. First put less and then keep developing as you need. अगर आपने आई प्राइमर का इस्तेमाल किया है इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू डिवेलप द कलर्स बिकॉज इट कैचेस कलर्स वेल. कलर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से पकड़ लेता है आई प्राइमर. तो आपको ज़रूरत नहीं होगी बहुत ज़्यादा बिल्ड करने की. ओपेसिटी आपको ईजिली मिल जाएगी. So,
basically, eye primer works as face primer. It is a little different. Face primer आपके face को smooth करता है और makeup को hold करता है, yes. Eye primer makes it crease proof and waterproof also. So अगर आप face पे eye primer को use कर देंगे तो वो काफ़ी harsh हो जाएगा, it'll dry the skin. So for eyelid, because eyelid कभी कभी बहुत soft और oily होती है, to hold the eye shadow in place for intricate makeup, it works well. Perfect. We'll do the same thing. Now this kind of look, please keep looking at the symmetry. You can't go wrong. So you have to keep seeing with the model's face in front. So look, I have to keep seeing from the front, right? So I have to keep seeing whether the color is coming at the right place and the symmetry is maintained or no. Very, very important. So first, try to match it well, get it at the right place, and then increase the color. Let me see. Perfect. They both should come in the equal symmetry.